अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाउ आर यू माय लवली स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल राइट यू इंग्लिश फॉरेस्ट कॉपी। ओपन योर इंग्लिश फॉरेस्ट। आज जो हमारा डे फॉलो का डे कौन सा है, 65। डे 65 पे हम पेज नंबर करेंगे 77 एंड 78। What we will write in center, C.W. C.W. means classwork. Match the same sound. हम match करेंगे same sound को। माँ को माँ से, को इससे, प को पा से, हा को हा से, क को का से, टा को टा से, ओ को ओ से। Sound is this माँ। माँ is a grass eater. Is this माँ? No. Is this ma? Yes. The sound is this. Is this? Yes. Sound is this. Pa. Is this pa? Yes. Sound is this h. Is this h? Is this h? No. 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 Is this h? Yes. Sound is this k. Is this k? Yes. Is this t? The sound is this t. Is this t? Yes. Sound is this o? Is this o? Yes. अब आ जाए अपने next page पे। Match the same. Match the sounds with picture. Sounds को picture से match करना है। The sound is this is. इससे क्या आता है, बॉल? No. Sun क्या आता है, sun. Is sun. इसको sun से मैच करेंगे। B. B ball. Sound is this O. O orange. Sound is this ta. The tree. Sound is this fish. Fish. Sound is this igloo. Sound is this kaki. अच्छे बच्चों की तरह मैच करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाउ आर यू माय लवली स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल रीड यू फोनिक रीडर। आज हम क्या रीड करेंगे, फोनिक रीडर। फोनिक रीडर में आज हम हमारा जो डे फोर होगा, डे कौन सा है, 61 पे हम जो पेज नंबर करेंगे, पेज नंबर 18 एंड 19 को हम डे 61 से लेकर डे 65 तक रीड करेंगे। ओपन योर फोनिक रीडर। आज जो हमारी लाइन स्टार्ट होगी वो है अ पैन इन अ वैन। अ प एंड पैन इन अ wa and van, a pan in a van, a p and pan in a w and van, a pan in a van, a p and pan in a w
and pan, a pan in a van. अच्छे बच्चों की तरह रीड करेंगे इंशाल्लाह, फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट नेम ओफल्ला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम किसकी राइटिंग कर रहे हैं? उर्दू राइटिंग. ये हमारी कौन सी कॉपी है? उर्दू एक्सरसाइज नोटबुक. कौन सी कॉपी है? उर्दू एक्सरसाइज नोटबुक. चलिए हम इसे ओपन करते हैं. हमारा प्लानिंग का कौन सा डे फॉलो हो रहा है? 65. प्लानिंग का कौन सा डे फॉलो हो रहा है? 65. और आज देखिए हमें क्या काम करना है. लिखाई बे बा से जे तक लिखना है. ठीक है, हमें बे के खानदान बे से लेके जे तक लिखना है और उनकी आधी शक्ल भी लिखनी है. ठीक है, चलिए हम काम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले किसका खानदान आएगा? बे का खानदान. लाइन से टच करके बे के नीचे एक नुक्ता, बे बा. बे के बाद पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे पा. लाइन से टच करके काम करेंगे. ठीक है, बे पे के बाद ते, ते ता. ते के ऊपर दो नुक्ते, ते के बाद टे, टे टा. टे के ऊपर छोटी तोए. टे के बाद से, से सा. से के ऊपर तीन नुक्ते. बे का खानदान मुकम्मल हो चुका है और उनकी आधी अशकाल भी मुकम्मल हो चुकी है. बे के खानदान के बाद जीम का खानदान स्टार्ट होगा. आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम जा. जीम के बाद चे, चे के पेट में तीन नुक्ते, चे चा. चे के बाद हे, हे खाली, हे हा. हे के बाद खे, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे खा. अब जीम का खानदान आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे और जीम की आधी शक्ल लाइन से टच करके जीम का खानदान मुकम्मल हो चुका है. अब किसका खानदान स्टार्ट होगा? दाल का खानदान. दाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे, इनकी आधी शक्ल नहीं होती है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? डेश. दाल के बाद डाल, डाल के ऊपर छोटी तोए, इसकी भी आधी शक्ल नहीं होती तो हम क्या लगेंगे? डेश. डाल के बाद जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल की भी आधी शक्ल नहीं होती तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? डेश. जाल के बाद रे, रे की भी आधी शक्ल नहीं होती तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? डेश. रे के बाद अड़े, अड़े के ऊपर छोटी तोए, अड़े की भी आधी शक्ल नहीं होती तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? डेश. अड़े के बाद जे, जे के ऊपर एक नुक्ता, इसकी भी आधी शक्ल नहीं होती तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? डेश. जे के बाद जे, जे की भी आधी शक्ल नहीं होती तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? डेश. अब देखें जो लाइन से टच करके करना है वो लाइन से टच करके करेंगे, जो आधा लाइन के ऊपर लिखना है वो आधा लाइन के ऊपर लिखेंगे और आधा लाइन के नीचे लिखेंगे. ठीक है, और दाल की फैमिली और रे की फैम
दाल और एक एक खानदान की आधी शक्ल नहीं होती तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, स्टे होम स्टे सेफ। से फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज़ योर मैथ फोरोस्कोपी। आज डे फॉलो हो रहा है 65 और आज हम पेज नंबर करेंगे 91। चलें इसके साथ साथ ओपन करें। आज डे फॉलो हो रहा है 65। व्हाट वी विल राइट इन सेंटर, सी डॉट डब्ल्यू, इट्स मीन क्लास वर्क। आज हम पेज नंबर 91 में करेंगे राइट 1 till 40, यानी 1 से लेके 4040 तक हम काउंटिंग करेंगे। हमें कॉलम्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हम 1 की लाइन करेंगे, फिर 1111 की, फिर 21, फिर 31। ठीक है, चले करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20, 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30, 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 3, 33, 3, 4, 34, 3, 5, 35, 3, 6, 36, 3, 7, 38, 3, 9, 39, 4, 0, 40। आई होप कि आप मिस के साथ साथ ही काम कर रहे होंगे, नीट एंड क्लीन काम करेंगे। अल्लाह हाफिज, स्टे होम स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपकी क्लास के जीवन की इस्लामियत की टीचर। आज हम इस्लामियत में नींद से बेदार होते वक्त की दुआ याद करेंगे। नींद से बेदार होते वक्त की दुआ, जो कि हमारी इस्लामियत की किताब सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद है। तो आए बच्चों, सफ़ा नंबर 7 खोलते हैं। सफ़ा नंबर 7, नींद से बेदार होने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने हमें मौत नींद के बाद हयात बैदारी अता फरमाई और हमें उसी की तरफ लौटना है। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने हमें मौत नींद के बाद हयात बैदारी अता फरमाई और हमें उसी की तरफ लौटना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपकी क्लास के जीवन की अरबिक की टीचर। आज हम अरबिक में याद करेंगे दुआए माफूरा। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। तर्जुमा, ए मेरे अल्लाह मुझे आग के अज़ाब से बचा। तर्जुमा, ए मेरे अल्लाह मुझे आग के अज़ाब से बचा। ये थी हमारी दुआ मासूरा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।